आप सभी जानते ही हैं कि कैसे हमारे वीर जवान -40 से -50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रहकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और ECWCS यानी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम इन सोल्जर्स को एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने में मददगार साबित होते हैं। ECWCS एक 3-लेयर मॉड्यूलर क्लोथिंग सिस्टम है जिसे 15 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज में थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहले इन क्लोथिंग सिस्टम को स्विट्जरलैंड, वियतनाम और इवन श्रीलंका से इंपोर्ट किया जाता था, पर लास्ट ईयर DRDO ने 5 इंडियन कंपनीज को इसकी टेक्नोलॉजी हैंड ओवर की थी ताकि हमें ये एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग इंपोर्ट ना करना पड़े। स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट का इंडिजिनस इंडस्ट्रियल बेस सेटअप करने से ये ना सिर्फ आर्मी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा बल्कि इट ऑल्सो इंक्रीज एक्सपोर्ट पोटेंशियल।